समाज को नेम धर्म दिया कि अपने फूलमाली समाज में मद्रपान करना नहीं, बाई लोग स्त्री लोग में काड़ो यानी हरो कपड़ो पेरा नहीं, हरो चूड़ो पेरा नहीं, काड़ा बहेल अपन मोल लेवा नहीं, अमावस का दिन अपना खेत में हल चलावा नहीं, नाग पंचमी के दिन घर में तड़कर खावा नहीं, नाग पंचमी को उपास रखनो पड़े, तड़कर खानू नहीं, बड़ पीपल गुल्लर की लकड़ी चूल्हा में जलानू नहीं, फूल का बाग बगीचा में जूता चप्पल पहन कर फूल तोड़ना नहीं, कन्यादान दी हुई गाय का दूध बेचना नहीं, शाम की टेम में लौकी की सब्जी खानू नहीं, क्या और कोई भी अपने घर आया अतिथि का अपमान करना नहीं, रजवसला बाई 5 दिन बाहर बैठी हुई बाई का हाथ का भोजन करना नहीं, ऐसा नेम धर्म भगवान महादेव जी ने अपने फूलमाली समाज को दिया। ये फूलमाली समाज का नेम है शंकर महादेव, पार्वती के पुत्र है, पार्वती का मेल से माली बने, माली समाज बने, जलमताज अपना हाथ में फूल लाया जहाँ से फूलमाली, मलको माली जलमताज हाथ में फूल लाया जहाँ से फूलमाली नाम पड़ा, बाकी जो 12 जात है ये फूलमाली से ही बाद में नाम पड़े। ब्राह्मण से श्रेष्ठ है महादेव जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पहली पूजा का मान फूलमाली को है। 12 भाई थे, 12 ही भाई वहां लड़ाई करने लगे, शंकर पार्वती घबराई, मेरे 12 लड़का तुम्हारी पूजा के लिए मर जाएगी, जिस टाइम में भगवान की एक ही ज्योतिर्लिंग थी। ये 12 भाई माली होने से भगवान जी महादेव जी ने विश्व में 11 ज्योतिर्लिंग और बनाई, तो 12 ही जगह इनको पूजा का मान दिया। उस दिन से अपने में 12 जात नाम पड़ा। सबसे बड़ा भाई की जाति का नाम फूलमाली, दूसरा भाई की जाति का नाम हल्दी माली, तीसरा भाई की जाति का नाम काच यानी काची माली, चौथा भाई की जाति का नाम जीरे माली, पांचवा भाई की जाति का नाम मेवाड़ा माली, छवा भाई की जाति का नाम कजोड़िया माली, सातवा भाई की जाति का नाम जनऊ का विस्तार में कजोड़िया माली, आठवा भाई की जाति का नाम वन माली यानी मारवाड़ा फुलेरा माली, नौवा भाई की जाति का नाम रामी माली जो गुजरात से आए, दसवां में जेसरिया उरप नाम सेनी माली, ग्यारहवां में ढीमर माली और 12वां भाई का परिवार भदरिया माली। ऐसी अपने में 12 जात। फिर माली समाज ने पठान मुसलमान की लड़की को रखी, उनकी औलाद हुई, उनका बोला आदि जात भगवान पठान माली, वो भी लोग बागवान लगावे, साढ़े बारह जात। तो फूलमाली समाज की महादेव जी की पूजा का मान मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में आया। राजस्थान से सबसे पहले उज्जैन क्षेत्र में माली लोग आए, माली लोग रहने से इस देश का नाम मालवा पड़ा, मालवा क्षेत्र। फिर माली समाज के यहाँ से यवन बादशाह मुसलमान वहां युद्ध हुए, वहां से फिर अपना माली समाज गुजरात कच्छ भुज काठियावाड़ राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा ये उज्जैन से पहले सब लोग फूलमाली समाज है। और 1444 गोत हुए अपना में, 1444 सरनिम सरनिम है, 1444 सरनिम। तो ऐसा माली समाज को मतलब ये फूलमाली समाज सबसे ज्यादा है राजस्थान में, दूसरा नंबर महाराष्ट्र में, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है फूलमाली, महाराष्ट्र में भी बहुत है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ दूसरा माली ज्यादा है अपना मध्य प्रदेश में, राजस्थान और महाराष्ट्र में फूलमाली ज्यादा है। तो फूलमाली को अब अलग अलग देश, जिस देश में जाए वहाँ भाषा अलग है। आज भी फूलमाली, अभी पहले के जूना जो लोग था जो शंकर भगवान की टीकी लगाती थी भाई ऐसी बारीक ऐसी इतनी बड़ी तक कई महाराष्ट्र में आज भी जूना लोग लगा हुए, क्योंकि ये महादेव पार्वती के पुत्र है इसके लिए। तो ऐसा अपना माली समाज। फिर दिल्ली हस्तिनापुर से ये लोग मारवाड़ देश में आए अजमेर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ आए, चित्तौड़गढ़ से इनका फटा फूटा, कोई कोटा गए, कोई झालावाड़ गए, कोई सारंगपुर तरफ चल गए, अपना कोई परिवार उज्जैन तरफ आ गया, वहाँ से फैला, चित्तौड़गढ़ से फैला हुआ इनका ऐसा परिवार है नेम धर्म। अब कहीं अब सिटी में नेम धर्म सब छोड़ दिए, कहीं नहीं रखे। तो आज भी महादेव जी की पहली पूजा तुम माली करो, ब्राह्मण नहीं करे।
ये फूल कौन लगा हुआ है? माली लगा हुआ है। माली पहले तोड़े, उनको हाथ पहले लगे हाँ। और उनका माथा पर चढ़े, फिर वो बिकना जाए हाँ। तो पहली पूजा तो माली की हुई, माली की हुई। ब्राह्मण कहाँ से पूजा हुआ उनका, ऐसा है ना? ब्राह्मण की दूसरी पूजा। ये तो लोग अभी बेचने लगे फूल, दूसरा ये तो अपना लोग ही बेच।